तो 2 दिन पहले मैंने भाई आप लोग को यूको बैंक का अकाउंट ओपनिंग का पूरा वीडियो दिया था। घर बैठे आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बट भाई उस वीडियो के नीचे भाई ये कमेंट आया भाई का कि भाई आप कह रहे हो कि वीडियो के वजह से अकाउंट ओपन होएगा, घर बैठे ओपन होएगा, लेकिन भाई यूको बैंक के जो कस्टमर कह रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। सो भाई सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं लाइव आप लोग को वीडियो के वाई सी करके भी दिखाने वाला हूँ। बस के वाई सी कंप्लीट होने के बाद क्या बोला वो भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल दे दूंगा। बट भाई सबसे पहले उस भाई का क्वेश्चन जो आया था उसका भाई क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। देखो आपने कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछा और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी भाई बैंक या जो भी भाई कंपनी कस्टमर केयर मतलब सपोर्ट पे कॉल सेंटर पे जो बंदे रखती हैं वो भाई ज्यादा उनको नहीं पता होता है। कभी भी आप भाई एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये किसी भी बैंक में हो गया, उनसे कॉल करके कोई न्यू जानकारी अगर आप लोगे तो उनको नहीं पता होता है। सीधे डायरेक्ट आप बोलिए कि मेरे को सीनियर से बात करिए, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कॉल सेंटर पे मेरे भी कॉन्टेक्ट में जो मेरे दोस्त हैं वो जॉब करते हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, इसी बिहा पे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो जानकारी उनको नहीं पता होता है उसके रिलेटेड में भी उनके पास क्वारी आता है, सो वो अपने सीनियर से पूछते हैं, तब उसके बाद वो आंसर दे पाते हैं। सो इसी वजह से पहले तो आप लोग पूरा भाई जानकारी ले लिया करो। और अपने चैनल पे मैं जो भी आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ पूरा भाई 100% कंफर्म होके मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल होता है तभी मैं बोलता हूँ, नहीं अदरवाइज मैं नहीं बोलता या मैं वीडियो प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ। सो एनीवे बाकी इस वीडियो में मैं लाइव आप लोग को वीडियो केवाईसी करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखिए। पहले आप लोग को क्या करना होगा, अपने भाई एप्लीकेशन में जो यूको पे है मैंने आप लोग को बताया था कहाँ से अपना भाई शेड्यूल कर सकते हो वीडियो केवाईसी का, लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। वहां पे आप लोग को अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड फिर पैन कार्ड फिर उसके बाद आप लोग को अपना एक सेल्फी फिर सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है और एक शेड्यूल डेट अपना वीडियो केवाईसी का डेट वाइज और टाइमिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसी वक्त भाई यूको बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा कि आप अपने वीडियो केवाईसी कंप्लीट करो, रजिस्टर नंबर पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। अगर लिंक नहीं आता है तो दोबारा आप उनको कॉल बैक करके बोल सकते हो मेरे को लिंक रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पे आप लोगों को भाई बोल देंगे कि हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सो वहां पे आप जाकर लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद जो भाई आप लोगों को वीडियो मिलेगा लाइव मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम चुके भाई अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले अपना भाई जीमेल आईडी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को लिंक वहीं पे रिसीव हुआ होगा, यहाँ पे देख सकते हो। लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए बताया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए कैप्चा फिल करना है। फिल करते ही जैसे आप भाई कंटिन्यू करोगे ना तो आपका कैमरे का, माइक्रोफोन का और प्लस लोकेशन का आपका मोबाइल का एक्सेस लिया जाएगा। बिकॉज आपसे भाई यहाँ पे बात किया जाएगा वीडियो कॉल पे, तभी यहाँ पे ये तीनों चीज का एक्सेस लिया जाता है। सो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप भाई कनेक्ट में आ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लैक पेन और प्लस ब्लैंक जो सीट रहता है वो यूज करना है सिग्नेचर के लिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपसे भाई कोई भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैंक के कनेक्ट में नहीं आते हैं, कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको रिपीटेड भाई उस नंबर पर कॉल करना है जिस नंबर से कॉल करके आप लोग को बताया गया था कि आपने भाई केवाईसी के लिए रीशेड्यूल किया था, शेड्यूल में डाला था। सो केवाईसी कंप्लीट करो, आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है। अब आपको नहीं पता भाई शेड्यूल में कैसे डालना है, सो हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए, मैंने अकाउंट ओपन करके शेड्यूल करने के लिए भी बताया, उस वीडियो में पूरा आप देख लीजिए। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक कनेक्ट में नहीं आते तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो भाई यहाँ पे मैं वीडियो के वाईसी का भाई वेट करके, एजेंट का वेट करके थक गया। सो फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सो आप लोग को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे आप भाई करोगे ना वैसे ही आप लोग यहाँ पे एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए भाई आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अब हमारे वीडियो के वाईसी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आप लोग से पैन कार्ड बताया जाएगा। अपने हाथ में पैन कार्ड रखिए, वो भी सेल्फी के साथ में, मतलब कि फ्रंट कैमरे में पैन कार्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद आपसे नॉर्मल जो वेरिफिकेशन रहता है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका गांव कहाँ है, अभी कहाँ से बात कर रही हो, आपका फुल नेम क्या है, फादर के नेम, मदर के नेम, ये सब भाई डिटेल आप लोगों को नॉर्मल देना पड़ेगा जो आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम में अपने फॉर्म में भरा है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पैन कार्ड का भाई सेल्फी और प्लस आधार कार्ड का आप लोग को साथ में फोटो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो उधर से भाई फोटो आपसे कैप्चर करते रहेंगे, वेरीफाई करते रहेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट आपने दिया था। सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट हमारा पैन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
जैसे यहाँ पे वेरीफाई ये कर देंगे, बोलेंगे कि ओके हो चुका है, अब अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराइए। सो आधार कार्ड भी सेम इसी तरह भाई आप लोग को होल्ड करके रखना है। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी कंप्लीट कर देते हो होल्ड करके, सो ये देख लीजिए ऐसे ही आप लोग को रखना है। उसके बाद आप लोग का बैक साइड का आधार कार्ड का रखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे कि यहीं पर आप फ्लिप करिए। सो आप लोग को कैमरे के सामने ही फ्लिप करना पड़ेगा बैक साइड का, जैसे मैंने फ्लिप किया। और उसके बाद अब आपसे बताया जाएगा कि नीचे भाई अपना जो व्हाइट सीट है हमने ले रखा है ब्लैंक सीट, उस पर सिग्नेचर करिए और सिग्नेचर करके हमें दिखाइए। सो आप लोग को भाई केयरफुली यहाँ पे सिग्नेचर वही करना है जो आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर रहेगा, नहीं अदरवाइज बताया जाएगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो भाई वेरीफाई नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखिए आपको सेल्फी से यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। और देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव सिग्नेचर करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह भाई सिग्नेचर करके भी दिखाना है। और प्लस आप लोग को आगे जैसे आपने पैन कार्ड आधार कार्ड का हमने वेरिफिकेशन किया, सेम इसी तरह आप लोग को अपना सिग्नेचर और सिग्नेचर के नीचे जो डेट को आपने अपना केवाईसी कर रहे हैं उस डेट का वहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे जो भी डेट रहेगा वो पूरा लिखने के बाद आप लोगों को अपने पैन कार्ड की तरह आधार कार्ड की तरह अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सो यहां पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे बताया जरा मेरे को कि जैसे आपने लिया था देखो ऐसे ही बताया जरा। सो आप लोग को यहाँ पे सेम भाई सेल्फी में ही रखना पड़ेगा और उधर से भाई बारीकी से वो जूम करके वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई हो जाने के बाद आपसे बताया जाएगा कि आपका वीडियो केवाईसी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और आपका जो पासबुक है इसमें पासबुक भी दिया जाएगा भाई, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, पासबुक दिया जाएगा, एटीएम कार्ड दिया जाएगा, आपका चेकबुक दिया जाएगा। आपको सिर्फ दो फोटोकॉपी लेके जाना है, अपना दो भाई पासपोर्ट साइज का फोटो और नज़दीकी आपका जो भाई ब्रांच आपने सेलेक्ट किया उस ब्रांच में जाके वो फोटो प्रोवाइड कर देना है और बोलना है कि मैंने बीडी केवाईसी से अपना अकाउंट ओपन किया है, मेरा पासबुक और प्लस मेरा एटीएम कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए, बाकी अदर कुछ भी आप लोगों को नहीं करना। इसका भाई ऑनलाइन आप लोगों को कोई भी वेलकम किट में कुछ भी नहीं रिसीव होगा। सो आप लोग ये मत कहना कि भाई मेरा वेलकम किट नहीं है, मैं क्लियर आप लोगों को बता रहा हूं जो मेरे साथ में घटा हुआ है। सो यहां पे हमारा भाई बीडी केवाईसी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप लोग भाई जरूर एक लाइक कर देना, नीचे भाई कमेंट कर देना प्यार से, ताकि आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है उससे भाई मेरा दिल खुश होता रहेगा। बाकी यहां पे एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, अब दोबारा यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है, सो टेंशन की बात नहीं है, कट कर दीजिए क्योंकि दोबारा एरर आ जाता है, ये बग के वजह से ऐसा होता है। सो वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।